जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं 31 जुलाई 2023 से लेकर के और 6 अगस्त 2023 का यह सप्ताह कैसा रहेगा, यानी कि अगस्त महीने का प्रथम सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंतिम में एक सुंदर सा उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को आनंददायी बना सकें। तो आप वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का प्रथम सप्ताह कैसा रहेगा। तो आज का जो यह कार्यक्रम होगा यह चंद्र लग्न से चंद्र कुंडली से आधारित होगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, इस सप्ताह जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है, यह सप्ताह जो है आपके लिए शुभ रहने वाला है। भाग दौड़ का सकारात्मक परिणाम मिलेंगे अगर आप इस महीने खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम जो है आपको सकारात्मक मिलने वाला है, यानी कि अच्छा परिणाम उसका आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और इस सप्ताह जो है सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होते हुए वृषभ राशि के जातकों के लिए दिख रही है। या जो अगस्त महीने का प्रथम जो सप्ताह है, इस सप्ताह जो है सुख सुविधाओं की वृद्धि होते हुए दिख रही है और आपके प्रेम संबंधों में जो है प्रागढ़ता आती हुई दिख रही है, प्रेम संबंध आपके मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में जो है वृषभ राशि के जातकों के मांगलिक कार्य संपन्न होते हुए दिख रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न होता हुआ दिख रहा है। घूमने फिरने का अवसर जो है वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह मिलता हुआ दिख रहा है, खूब घूमने फिरने के अवसर आपको मिलेंगे और आपको जो है उनका फायदा भी उठाना है। देश विदेश की यात्रा के भी योग बन रहे हैं, अगर आप देश विदेश घूमना चाहते हैं तो देश विदेश की यात्रा के भी इस समय आपके लिए इस सप्ताह जो है अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपके लिए शुभ योग बन रहे हैं। व्यवसायिक यानी कि व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी जातक वृषभ राशि के जातक व्यापार करते हैं, तो व्यवसायिक दृष्टि से भी यह सप्ताह जो है आपके लिए उत्तम रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा होने वाला है जो वृषभ राशि के जातक व्यापार करते हैं, इसलिए इस महीने इस सप्ताह जो है बाजार एवं शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर बड़े लाभ की स्थिति बन सकती है, अच्छा लाभ जो है इस समय आप कमा सकते हैं, परंतु जो है पैसा आपको सोच समझ करके लगाना है, ऐसा नहीं कि आपने जो है बिना सोच विचारे ही पैसा लगा दिया। तो अगर आप थोड़ा सा सूझबूझ के साथ में जो है शेयर मार्केट में या बाजार में कहीं पैसा लगाते हैं तो आप जो है इस सप्ताह जो है अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको होते हुए दिख रही है, अच्छा लाभ जो है इस सप्ताह आप कमाते हुए दिख रही है। अच्छे मकान एवं वाहन के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं, इस सप्ताह जो है अच्छे मकान के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं, कोई नया वाहन भी इसमें इस सप्ताह जो है आप खरीदते हुए दिख रहे हैं, अच्छे वाहन के भी योग इस सप्ताह आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के योग आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं, सुख सुविधाओं की वृद्धि होते हुए वृषभ राशि के जातकों के लिए दिख रही है। इस सप्ताह जो है इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, परंतु आप उपाय क्या करें जिससे इस सप्ताह को और भी आनंददायी आप बना सके। तो उपाय के तौर पे वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है मां भगवती का प्रतिदिन आपको पूजन करना है, मां भगवती का पूजन नित्य प्रतिदिन आप करें और मां भगवती के मंदिर में जाकर के शुक्रवार के दिन आपको जो है मां भगवती के श्रृंगार का जो वस्तुएं हैं वह श्रृंगार की सामग्री मां भगवती को समर्पित करनी है और मां भगवती के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। तो मां भगवती का पूजन आपको इस सप्ताह जरूर करना है। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके।
तो आज का वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त, पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।